आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। संसद में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024 और 25 पर आज भी सदन में चर्चा होगी। इस दौरान सदन में हंगामे के आसार भी हैं। आज 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र का 6वां दिन है। बीते मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वार्षिक वित्तीय बजट को लोकसभा के पटल पर पेश किया था, जिस पर आज भी सदन में चर्चा जारी है। बजट सत्र के तहत इस चर्चा में आज लोकसभा में नेता विपक्ष और वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। ऐसे में आज एक बार फिर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता नजर आ सकता है। दूसरी ओर दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे में मारे गए 3 छात्रों के परिजनों पर यहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। दोनों को ही कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 साल से दिल्ली के कथित शराब घोटाले वाले केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज ही कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में सपा सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर अफजल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में नाले के पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों की जान गई। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है। एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ, वहां के स्थानीय पार्षद और विधायक से स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग कर रहे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने दिल्ली की सरकार पर प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और गृह मंत्रालय से इसे लेकर कमेटी बनाने की मांग की।